8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए महीने के? नहीं नहीं, पैसा कितना मिलता है आपको? 10,000 में बच्चे पड़ जाएंगे। 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? ये जो 8 लाख और 10 हजार के बीच का अंतर है, ये सिर्फ दो देश का अंतर नहीं बल्कि वो आर्थिक बड़ा गैप है जिसने दुनिया के सामने उस हकीकत को बयां कर दिया जिसे देखकर भी सालों से अनदेखा करने की कोशिश की जा रही थी। राहुल गांधी के ये दोनों अलग अलग वीडियो हैं। इन दोनों वीडियो में शहर और देश भी अलग अलग है, काफी परिस्थितियां भी अलग है, लेकिन जो बात कॉमन है वो है वीडियो में शामिल किरदार, और वो किरदार है ट्रक ड्राइवर। राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रक ड्राइवरों से बात की। इस बातचीत में राहुल ने ट्रक में बैठकर अमेरिका में ट्रक चलाने की परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। वहीं अमेरिका जाने से पहले राहुल गांधी ने भारत में भी दिल्ली से चंडीगढ़ यात्रा के दौरान ट्रक ड्राइवरों के साथ सफर किया था और उनसे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की थी। राहुल गांधी के दो अलग अलग वीडियो देख आप आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों जगहों की ड्राइवर की आर्थिक स्थिति में कितना बड़ा अंतर है। राहुल गांधी ने अपने दोनों वीडियो में ट्रक ड्राइवरों से उनकी कमाई पूछी थी। भारत के ट्रक ड्राइवर की कमाई जानकर जहां राहुल को अफसोस हुआ था, वहीं अमेरिका के ट्रक ड्राइवरों की कमाई जानकर राहुल हैरान रह गए। पैसा कितना मिलता है आपको? 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? अच्छा, ये जब जैसे दिवाली के महीने होते हैं इसमें आपके पैसे ज्यादा बनते हैं कम बनते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता? इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी, रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है। $8,000-10,000 इजिली बनता है यहाँ पे अपना ट्रक वाला। $10,000 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए महीने बना सकते 8 लाख रुपए महीने के? महीने महीने में कितना चलाते हो, कितने दिन चलाते हो? ऑफ कितने मिलते हैं? और एक दिन में कितने घंटे चलाते हो? 12 घंटे चलाते हैं, 24 घंटे। मुश्किल काम है वैसे। सरकार आपके लिए कुछ करे तो क्या करना चाहिए? अरे ये करना चाहिए, मेहमान के ड्यूटी होनी चाहिए। जैसे मान लो जाए 12 घंटे रख लो तो एक साइड तो आराम मिलना चाहिए। जैसे अभी हम 24 घंटे चले रहते हैं तो आपको ओवर टाइम ऐसा कुछ नहीं मिलता? बुक के हिसाब से 14 आवर मिलते हैं जिसमें 11 आवर फॉर ड्राइविंग, 3 आवर फॉर लोडिंग अनलोडिंग। तो उस वो तो हो गया लोग बुक के। उसकी लिमिट नहीं होती? 14 आवर, उससे ज्यादा नहीं जा सकते? 14 से ज्यादा नहीं चला सकते? उसके बाद 10 आवर की स्लीप डालनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या जो स्लीप है, मतलब आप ट्रक में ही सोते हो? बेड है। अच्छा, फिर दिन में कहाँ रुकता, कहाँ है वो? ट्रक स्टॉप है, वहाँ पे रुक जाओ, सो जाओ। अच्छा, सबसे ज्यादा महंगाई में आपको चोट कहाँ से लगती है? मगर डीजल का पैसा कंपनी देती है? सामान लेके जाना है। हाँ, मतलब डीजल का असर सब चीज में पड़ता है। तेल ला रहा है तो चोपर नहीं है, चोपर ला रहा है तो आटा नहीं है। महंगाई तो बढ़ रही है, मगर आपका जो पैसा बनता है वो बढ़ता है? वो आखिरी बार कब पड़ा? उतना ही चला आ रहा है। एक टंकी भरने के लिए कितने पैसे लगते हैं? अगर हमने 100 गैलन भी डाला तो 450 समथिंग। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे वो अभी आपकी बात से बात निकली, क्या हमें क्रेडिट कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड दिए हुए? एक वो अब हमें, हमारे पास कोई कैश नहीं होता, हम कार्ड से 15 दिन भर लेते हैं, 15 दिन के बाद उसकी पेमेंट करते हैं, हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि हमें टाइम मिल जाता है, 15 दिन में पैसा बनाओ, आपके पास आपकी सेविंग भी बचेगी। ये ऐसी सुविधा अगर वहाँ पे हो तो क्रेडिट फैसिलिटी। और इसमें कूलर लगा है पीछे, काम करता है ये? चल रहा है, अब हम लोगों ने लगाया सर। अब अच्छा, ये मतलब होता नहीं है नॉर्मली गाड़ी में? नहीं होता, ऑटोमेटिक ट्रक है। अच्छा, मैनुअल भी? आज ये देखिए फॉरवर्ड ड्राइव में कर दिया और बैक करना है, जस्ट इतना ही काम है, और कुछ नहीं। गियर बूट का एक्सेलरेटर है और ब्रेक है, यहाँ पे क्लच नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। इसकी
राहुल गांधी ने एक महीने के अंदर दो अलग अलग देश में अलग अलग ट्रक के अलग अलग ड्राइवरों के साथ सफर किया। राहुल गांधी की ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुए, लेकिन इस बीच अब राहुल की ये दोनों वीडियो देख ये साफ हो गया कि दोनों जगहों के ड्राइवरों की आर्थिक स्थिति में कितना अंतर है।